क्या कुछ कर लिया है यहाँ पे। हमारे पास एक ये जो फोल्डर है हमारा, इसके अंदर ये एक एक्सप्रेस की एप्लीकेशन है, सही है जी। और इस एक्सप्रेस की एप्लीकेशन के अंदर हमारे पास सर्वर की फाइल है, पैकेज डॉट जेसन की फाइल है, उसके अलावा एक वेब का जो फोल्डर है वो एक कंप्लीट रिएक्ट की वेब एप्लीकेशन है, जिसमें हमने लास्ट क्लास में क्रड ऑपरेशन पूरा कर लिया था, ठीक है जी। अच्छा, ये जो एक्सप्रेस की जो ऐप है, ये हमने कहाँ से कॉपी की थी? ये हमारी एक पुरानी ऐप थी जो हमने जब पहली दफ़ा क्रड ऑपरेशन किया था, ये वही वाली ऐप मैंने कॉपी करके यहाँ पे लगा दी है। तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जिसका ताल्लुक इस क्रड ऑपरेशन से है नहीं, लेकिन वो इसमें चीज़ मौजूद है, ठीक है जी। तो हमारे पास ये जो पोस्ट राउट है, इसी के अंदर सारा काम है, जो चार ऑपरेशन है हमारे वो हुए हुए हैं यहाँ पर, और ये चारों API हमने कनेक्ट कर दिए अपने रिएक्ट की एप्लीकेशन से। अच्छा, इससे पहले जो हमने क्रड ऑपरेशन किया था उसमें हमारे पास जो फ्रंट एंड था वो प्लेन जावास्क्रिप्ट की ऐप थी, ठीक है, जिसके अंदर HTML CSS जावास्क्रिप्ट से फ्रंट एंड बना हुआ होता था, और हम उस प्लेन जावास्क्रिप्ट की ऐप से सर्वर को कॉल करते थे, ठीक है। सर्वर हमारा अभी भी वही है, जस्ट हमारा फ्रंट एंड अब क्या हो चुका है, अब वो रिएक्ट का फ्रेमवर्क आ चुका है उसकी जगह पे। फ्रेमवर्क तो नहीं, खैर लाइब्रेरी, तो रिएक्ट का फ्रंट एंड है, उसके ज़रिए हम अपनी APIs को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो आप सब लोगों ने आई होप कि ये वाला काम कर लिया होगा इतना, कि जी रिएक्ट की फ्रंट एंड से API कॉल करके ये क्रड ऑपरेशन करवाना, ठीक है। अच्छा, पहले तो हमने सिर्फ API कॉल की थी, जो वेदर ऐप बनाई थी, कि जी रिएक्ट के फ्रंट एंड से सिर्फ API कॉल करते थे हम, लेकिन API कॉल करने के बाद जो डेटा आता है उसमें ये पूरा क्रड ऑपरेशन है वो हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है, किसी का कोई सवाल तो नहीं है? अच्छा, अब हमने क्या करना है, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ करनी है आज हमने। आज हमने डिस्कस करना है वेक्टर डेटाबेस, ठीक है। वेक्टर डेटाबेस और वेक्टर, ये क्या बला होती है, ये हमने डिस्कस करना है आज, ठीक है। अच्छा, हम उससे करेंगे क्या, हम ये करेंगे कि जी एक ये फॉर्म बना हुआ है जिससे हम नई पोस्ट क्रिएट करते हैं, और ये पोस्ट नीचे बनी भी आ जाती है सारी की सारी पोस्ट, ठीक है। अच्छा, ये पोस्ट बनी भी आ गई, मेरे पास 200 300 400 यहाँ पे पोस्ट आ गई, ठीक है। अब मुझे उसके ऊपर लगाना है सर्च। अक्सर वेबसाइट में आपने देखा होगा सर्च लगा हुआ होता है, उस पर आप कुछ लिखते हैं तो नीचे रिजल्ट्स आते हैं उसके। अच्छा, ये सर्च लगाने का एक तरीका है, एक तो वो MongoDB का फुल टेक्स्ट सर्च है, हमने फुल टेक्स्ट सर्च डिस्कस किया है यहाँ पे। अच्छा, बहुत ईजी है, वो भी देख लेना, मतलब वो इतना मैटर नहीं करता। पाइनकोन, हाँ, यस, ठीक है। अच्छा, तो MongoDB के अंदर भी एक चीज़ होती है फुल टेक्स्ट सर्च, लेकिन फुल टेक्स्ट सर्च से भी एक एडवांस चीज़ आजकल मार्केट में आ चुकी है, उसको हम कहते हैं वेक्टर सर्च। अच्छा, पहले तो ये समझ लो कि वेक्टर क्या होता है और वेक्टर सर्च क्या चीज़ होती है, ठीक है। जब हम वेक्टर सर्च लिखता हूँ मैं यहाँ पे, और मेरे पास होपफुली कोई ऐसी इमेज आ जाए जिसके ज़रिए मैं डेमॉन्स्ट्रेट कर सकूँ कि यार ये क्या बला है। यार ये इंटरनेट बिल्कुल ही स्लो हो गया, क्या हो गया? हाँ, तो देखो प्रोजेक्टर का ये तीन बटन बचा गया ना, पता है ना कौन सा है? अच्छा यार, हाँ, गुड यार, जबरदस्त। अच्छा यार, वेक्टर को पहले समझ लेते हैं कि वेक्टर है क्या भला। वेक्टर जो होता है वो हम कहते हैं नंबर को, सही है। वेक्टर हम किसको कहते हैं? नंबर को कहते हैं। अच्छा, अब ये वेक्टर डेटाबेस क्या चीज़ है? वेक्टर डेटाबेस ये होता है कि हम जो डेटा सेव करवाते हैं वो उसको हम वेक्टर में कन्वर्ट कर लेते हैं, उसको हम क्या कर लेते हैं? वेक्टर में कन्वर्ट कर लेते हैं। अच्छा, मिसाल के तौर पे एक टेक्स्ट डेटा है मेरे पास, ठीक है, उसको मैं वेक्टर में जब कन्वर्ट करता हूँ तो मुझे क्या मिल जाता है? एक न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन मिल जाती है उस डेटा की। मुझे क्या मिल जाता है? उस डेटा की एक न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन मिल जाती है मुझे। अच्छा, अब वो न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन जो होती है ना, वो क्या होती है? वो अगर मैं OpenAI के ज़रिए उसको क्रिएट करता हूँ उस वेक्टर को। अच्छा, वेक्टर क्रिएट करने के बहुत सारे अलग अलग मेथड्स अवेलेबल हैं। OpenAI का जो एम्बेडिंग है, उसको एम्बेडिंग कहते हैं ये लोग, OpenAI की जो एम्बेडिंग है वो सबसे बेस्ट है वेक्टर क्रिएट करने के मुताबिक, ठीक है। उसका बेंचमार्क सबसे ज़्यादा है, उसकी एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा है। अब ये बेंचमार्क और एफिशिएंसी क्या चीज़ होती है ये मैं बताता हूँ। देखो, इस तरह का जो है ना एक वो बन जाता है, देख रहे हो, इस तरह का जो है ना एक 3D स्पेस बन जाता है हमारे पास, ठीक है। 3 डायमेंशन या 2 डायमेंशन या 1 डायमेंशन, जो भी इसको कह लो आप,
तो असल में होता क्या है, जो हमने हैश पढ़ा था ना पहले, याद है हमने हैश पढ़ा था। हैश क्या होता है कि किसी भी डेटा को अगर मैं हैश में कन्वर्ट कर दूं, उसको वापस एक्चुअल डेटा में कन्वर्ट मैं नहीं कर सकता, ठीक है। और हैश जब मैं कैलकुलेट करता हूं, तो मैं कैसे कैलकुलेट करता हूं, मिसाल के तौर पे तुम्हारा नाम क्या है, राफे। अब राफे का मैं हैश कैलकुलेट करता हूँ अगर, तो मैं एक अपने तौर पे एक रूल बना लेता हूँ कि सबसे पहले के जो दो डिजिट होंगे वो राफे के विर्थ और हाइट होगी, कि भाई राफे की विर्थ क्या है, हाइट क्या है, या हाइट और वेट क्या है इसका, ठीक है। उसके बाद जो दो डिजिट होगा या तीन डिजिट होगा उसके बाद, वो इसके बालों का RGB में वैल्यू होगी, रेड ब्लू ग्रीन के बाल का कलर क्या है, ठीक है। इसी तरह ग्लासेस लगाता नहीं लगाता, 01 ये होगा। तो इस तरह से एक मैं लंबा सा एक हैश कैलकुलेट कर लूँगा इसका, राफे का, सही है। अब मेरे पास अगर वो हैश मौजूद है, तो मैं उसको एक्चुअल राफे में कन्वर्ट नहीं कर सकता। लेकिन अगर मेरे पास राफे भी खड़ा हुआ है और हैश भी खड़ा हुआ है सामने, तो मैं ये वेरीफाई कर सकता हूँ कि ये राफे का ही हैश है या किसी और का, ठीक है। अच्छा, फिर अगर मेरे पास कोई दूसरा बंदा आता है, मैं उसके साथ जब कंपेयर करूँगा तो ये हैश मैच नहीं होगा, लेकिन राफे से कंपेयर करूँगा तो ये हैश मैच हो जाएगा। सेम इसी तरीके से जब मैं किसी टेक्स्ट को वेक्टर में कन्वर्ट करता हूँ, तो मुझे क्या मिल जाता है, एक एरे मिल जाता है जिसमें बहुत सारे नंबर होते हैं, एक एरे मिल जाता है मुझे, ठीक है। अच्छा, वो एरे किसी ना किसी टेक्स्ट का होता है, वो एरे क्या होता है, किसी ना किसी टेक्स्ट का होता है। अच्छा, अब क्या होता है, मेरे पास अगर ओरिजिनल टेक्स्ट आ जाए, तो मैं पता लगा लूँगा कि ये इसी टेक्स्ट का वेक्टर है। अच्छा, अगर कोई दूसरा टेक्स्ट आ जाए, तो मैं उसको जब वेरीफाई करूँगा कि ये इसी का वेक्टर है या नहीं है, तो वो बोलेगा कि नहीं है, ये किसी और का वेक्टर है। ये इतनी बात समझ आ गई। तो वंस हम जब किसी टेक्स्ट को वेक्टर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो हम उसको दोबारा से एक्चुअल टेक्स्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, वो वेक्टर बन गया तो बन गया। अच्छा, एक बात ये समझ आ गई। दूसरी बात ये है कि ये वेक्टर कैलकुलेट कैसे होता है। एक तो हैश कैलकुलेट होता है ना, वो तो बिल्कुल मुख्तलिफ तरीका था। वेक्टर जो कैलकुलेशन होती है ना, इसके लिए एक तैयार किया जाता है वर्ड बैग, इसके लिए तैयार किया जाता है एक वर्ड्स का एक बैग तैयार किया जाता है। वो पहले से होता है, वो जो एल्गोरिथम होता है, जो उसको यानी वेक्टर तैयार करने का जो एल्गोरिथम है, वो हर किसी ने थोड़ा थोड़ा अलग अलग बनाया हुआ है, मुख्तलिफ बनाया हुआ है। तो हम जो यूज़ कर रहे हैं वो OpenAI वालों का है, ठीक है। एक हगिंग फेस करके है, वो उन्होंने भी ये बनाया हुआ है। हगिंग फेस नाम सुना होगा बड़ा आजकल, जो लोग ChatGPT का जिक्र कर रहे हैं, वो साथ में हगिंग फेस का भी, लेकिन ये नहीं बताते कि वो है क्या। मैं आपको बता रहा हूँ कि वो है क्या, ठीक है। OpenAI में भी आपको ज़्यादातर वो बोलेंगे यार ChatGPT, ChatGPT से आगे नहीं बढ़ते भाई। ChatGPT के अलावा बहुत बड़ी दुनिया है OpenAI के अंदर, और शायद ChatGPT जितना इंपॉर्टेंट है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये दूसरी चीज़ें हैं जो उन्होंने अनाउंस किया है। लेकिन हमारे वो बच्चे असल में प्रेस वाले हैं ना, वो जर्नलिस्ट तो कहने के जर्नलिस्ट हैं, लेकिन वो असल में इतने भी जर्नलिस्ट नहीं हैं। तो उनको जो बात बताई जाती है या जो दिख जाता है उनको, तो वो थोड़ी बहुत ही समझ आती है, वही उसी को लेके चल रहे होते हैं। इतना ज़्यादा रिसर्च भी शायद आजकल के जर्नलिस्ट ने करना छोड़ दिया है, ठीक है। मैं पूरी दुनिया की जर्नलिस्ट की बात कर रहा हूँ। तो वो इसकी तो कोई बात ही नहीं कर रहा, एम्बेडिंग की तो कोई बात ही नहीं कर रहा, सही है। वो एक दो लोग हैं टेक्निकल जो बता रहे हैं बस, बाकी कोई इसकी बात नहीं कर रहा, ना कोई बुक है इस वक्त जो इसके ऊपर डिस्कस कर रही हो। अच्छा, तो ये वेक्टर का जो वर्ड बैग होता है ना, ये मैं आपको आसान करके समझा रहा हूँ। एक वर्ड बैग होता है। अब वर्ड बैग को अगर मैं टेक्निकली समझाने लग जाऊँ तो बहुत लंबी स्टोरी है, लेकिन आप ऐसे समझ लें कि एक थैला है, उसके अंदर वर्ड्स भरे हुए हैं सारे, ठीक है। और हर वर्ड को एक वैल्यू असाइन की गई है, एक न्यूमेरिक वैल्यू एक असाइन की गई है। अच्छा, उसके अंदर जो बनाना होगा ना, जो बनाना एक वर्ड है, तो इसके अगेंस्ट एक नंबर होगा। अच्छा, बनाना का अगर मैं बनाऊंगा वेक्टर, और मैं बनाऊंगा एप्पल का वेक्टर, तो ये दोनों जो है ना आपस में नियरेस्ट होंगे, यानी उस ग्राफ के अंदर, उस वर्ल्ड के जो थैले के अंदर, नहीं ये आपस में ज़रा करीब होंगे ये। अच्छा, हैश जैसा कि मैंने बताया कि यार अगर मैं राफे को खड़ा करूं और साथ में हैश भी हो राफे का, तो वो ये बता देगा कि राफे का हैश है या नहीं है, ठीक है। अगर मैं किसी नासिर से उसका हैश कॉम्पेयर मारूं, तो बोलेगा भाई नासिर का नहीं है हैश ये। लेकिन हैश में मुझे वो ये नहीं बताता कि वो राफे से कितना करीब है ये हैश, या नासिर से कितना करीब है ये हैश। इसमें मुझे ये बात बताता है ये अल्गोरिथम जो है ना, इसमें मुझे ये बात बताता है ये कि भाई ये किससे कितना करीब है। मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास बनाना का हैश मौजूद है, तो बनाना का जो हैश है ना, वो जो नियरेस्ट होगा, जो वो नियरेस्ट होगा एप्पल से, वो नियरेस्ट होगा एप्पल से, सही है। और जो चिकन होगा, उसका जो जो होगा ना,
क्या कहते हैं वो, शायद मैं ज़रा मिसाल अभी मेरे शायद क्राफ्ट नहीं कर पा रहा, मैं अगेन ट्राई करता हूँ. जैसे एक है कॉफ़ी वर्ल्ड, एक है कॉफ़ी वर्ल्ड और एक है वर्ल्ड टी. इसके अंदर जब मैं क्वेरी मारता हूँ ना, इस डेटाबेस के अंदर जब मैं क्वेरी मारता हूँ, तो आप इमेजिन करें कि एक मेरे पास वर्ड सेव हुआ है टॉफ़ी और एक हुआ है कॉफ़ी. ठीक है, एक हुआ है टॉफ़ी, एक हुआ है कॉफ़ी और एक हुआ है टी, चाय. अच्छा, अब जो मेरे पास जो टी है ना और कॉफ़ी है और टॉफ़ी है, मैं बोलता हूँ कॉफ़ी का, उसको देता हूँ मैं वेक्टर, कॉफ़ी का वेक्टर देता हूँ और मैं बोलता हूँ इसके नियरेस्ट जितने हैं ना उसको सबको लेकर आओ. तो उसमें हालांकि कॉफ़ी और टॉफ़ी की स्पेलिंग मिलती जुलती है, लेकिन ये आपस में उतने नियरेस्ट नहीं होंगे जितना चाय से ये नियरेस्ट है. तो अगर मैं कॉफ़ी लिख के भेजूंगा सर्च में और मैं बोलूँगा मुझे ला के दो जवाब, तो मुझे वो पहले ला के देगा टी, और टॉफ़ी मुझे वो बाद में ला के देगा, क्योंकि टॉफ़ी इतना नियरेस्ट नहीं है जितना चाय और कॉफ़ी का ज़्यादा ताल्लुक है आपस में, ये नियरेस्ट है. अच्छा, तो ये कौन डिसाइड करता है, ये जो वर्ड का बैग जो बना रहा है ना, ये वो डिसाइड करता है कि कौन से वर्ड को करीब रखना है कौन से को दूर रखना है, डिपेंडिंग ऑन कि जो मामलात रियल लाइफ में चल रहे होते हैं उसके हिसाब से. ठीक है, जैसे कि एप्पल को गूगल से नियरेस्ट रखा गया है ना. अच्छा, एप्पल का जब मैं सर्च मारूंगा नियरेस्ट लेकर आओ, तो वो एप्पल जो है वो बनाना को भी लेकर आएगा और गूगल को भी लेकर आएगा, क्योंकि एप्पल का जो वर्ड है, क्योंकि वर्ड है वो बनाना से भी करीब है और गूगल से भी करीब है. अच्छा, लेकिन अब स्टोरी शुरू होती है थोड़ी सी और आगे, कि अगर लिखा हुआ है ना कि एप्पल और साथ में कंपनी भी है साथ में, तो फिर वो गूगल से ज़्यादा करीब हो जाएगा और वो बनाना से दूर हो जाएगा. अब ये कैसे होता है अंदर, इसको ज़्यादा दिमाग पे जोर डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हुआ हुआ है, ये करना नहीं है आपने, ये हुआ हुआ है काम. अच्छा, अब आपने करना क्या है, अब आपने करना ये है, देखो वेक्टर डेटाबेस जो होता है ना उसके अंदर जब भी आप डेटा को स्टोर करवाते हैं तो वो हमेशा आप उसको वेक्टर में कन्वर्ट करते हैं फिर स्टोर करवाते हैं, वेक्टर में कन्वर्ट करते हैं और फिर स्टोर करवाते हैं. तो अभी हमने क्या करना है, हमने जो चीज़ मोंगो डीबी में ऑलरेडी स्टोर करवाई हुई है हमने क्या करना है, उसको वेक्टर में कन्वर्ट करना है और साथ साथ उसको पाइनकोन में भी स्टोर करवाना है. अच्छा, पाइनकोन वैसे एक मुकम्मल डेटाबेस है. ठीक है, पाइन कोन अगर मैं इस्तेमाल करूँ तो मुझे मोंगो डीबी की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, पाइन कोन एक मुकम्मल डेटाबेस है. ठीक है, अच्छा पाइन कोन हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं इस क्लास में अभी फ़िलहाल, क्योंकि पाइन कोन इस वक्त हाइप में है. अच्छा, पाइन कोन कोई वाहिद डेटाबेस नहीं है जो वेक्टर को सपोर्ट करता है. अभी रिसेंटली मोंगो डीबी ने इटसेल्फ भी इसकी सपोर्ट दे दी है, वेक्टर डेटाबेस की सपोर्ट दे दी है कि जी आप वेक्टर डेटाबेस में स्टोर करवा सकते हो. ठीक है, तो हम लेकिन फ़िलहाल हम पाइन कोन स्टोर कर रहे हैं. अच्छा, हमने हमारी ऐप में ऑलरेडी ज़रा मोंगो डीबी को लगाया हुआ है ना, तो हम ये कर रहे हैं कि ज़रा साथ में पाइन कोन को भी ऐड कर देते हैं. ठीक है, वरना हमें ऐसी कोई ज़रूरत नहीं थी कि हम पाइन कोन में भी उसको ऐड करें, पूरा का पूरा मोंगो डीबी में भी काम कर सकता था मैं, वैक्टर और नॉन वैक्टर दोनों आ जाते हैं मोंगो डीबी में. इसी तरह पाइन कोन के अंदर भी वैक्टर और नॉन वैक्टर दोनों तरह के डेटा सेव हो जाते हैं. ठीक है, कोई ऐसा इशू नहीं है इसके अंदर. ठीक है, तो अभी हमने करना क्या है, हमने करना ये है कि हमारे पास जो है ना, अच्छा देखो ये वर्ड बैग के ना डिफरेंट यहाँ पे एग्जांपल्स देखो इन्होंने दी हुई है. ठीक है, देखो सिंगर्स जो है ना, सिंगर वो करीब है किससे, जैज से, फोक से, बैंड से, रॉक से, ये इससे करीब करीब है सिंगर. ठीक है, लेकिन अगर आप दूसरी तरफ आ जाओ कि यहाँ पे स्टडी है जो, वो राइटिंग से, एकेडमिक से, इंफॉर्मेशन से करीब करीब है ये. ठीक है, जो आप समझ लो टीचिंग जो है वो डांस से ज़रा दूर है. ठीक है, टीचिंग जो है वो राइटिंग से भी ज़रा दूर है. अब ये टीचिंग और राइटिंग दूर दूर क्यों है, ये इस वर्ड बैग वाले ने ऐसा ही डिसाइड किया है, तो इसलिए ये दूर दूर है. ठीक है, और म्यूज़िक के अंदर जो है ना ये सारा कुछ आ रहा है. देखो एक इसने एक्चुअली जो सर्च मारा था क्वेरी वो मारा था म्यूज़िक, तो म्यूज़िक में ये सब कुछ आ रहा है. अब इसका मैं विर्थ सेट करता हूँ कि यार कितने दूर दूर तक के आइटम लेकर आ जाओ, तो ये जितने दूर तक बोलूँगा तो हो सकता है म्यूज़िक सर्च करूँ तो ये जो ना नासा को भी लेकर आ जाओ. म्यूज़िक और नासा बहुत दूर का ताल्लुक है, लेकिन जब अगर मैं बैंडविड्थ इसका बढ़ाऊंगा तो हो सकता है नासा भी लेकर आ जाए, लेकिन करीब करीब जो ला रहा है ना म्यूज़िक से, देखो सॉन्ग, डांस, आर्टिस्ट, ड्रामा, थिएटर, फोक, बैंड, ठीक है, स्टाइल, वोकल, क्लासिकल, परफॉर्मेंस, इंस्ट्रूमेंट, लैटिन, कॉलेज, सही है, कॉलेज का और म्यूज़िक का ज़रा सा दूर का ताल्लुक है, लेकिन नासा का बहुत ज़्यादा दूर का है.
तो ये इस तरह ना इन्होंने एग्जाम्पल बना बना के जगह जगह दिखाई भी है, इसको आप देखेंगे ना तो आपको ये आइडिया होगा। आप देखें यहाँ पे इन्होंने दिखाया है कि जी सेल बोट और ये कश्ती और ये सबमरीन आपस में करीब करीब हैं। तो किसी ने जी आपका सर्च मारा कि सेटापोड, पता नहीं सेल्टोपोड कोई मछली होती है शायद, वो सर्च मारा किसी ने, तो उसके अंदर ऑक्टोपस भी आ गया, शार्क भी आ गया, वेल भी आ गया, डॉल्फिन भी आ गया, लेकिन डॉल्फिन ज़रा दूर है, सही है। लेकिन ये अगर जैसे ये ग्रीन वाला है ना, इसका बैंडविड्थ है, मैं इसका ये विड्थ बढ़ाता रहूँगा तो वो सारे लेकर आ जाएगा, सही है। एक अल्टीमेट एक ऐसा टाइम आएगा कि ये सबमरीन भी उठा के ले आएगा, ठीक है। ये देखो ये ना ज़रा मैथमेटिकल वे में इसको बताया हुआ है कि जी सिमिलैरिटी कितनी है, किससे सिमिलैरिटी कितनी है, तो उससे ना ये पता लग रहा होता है। अच्छा तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि जब हम यहाँ पे एक नई पोस्ट क्रिएट करते हैं, जब हम यहाँ पे एक नई पोस्ट क्रिएट करते हैं तो पोस्ट क्रिएट करते वक्त ही हम उसको वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे, और उसको वेक्टर में कन्वर्ट करके हम उसको पाइन कोन में स्टोर करवा देंगे, सही है। अच्छा उसके बाद ये हो गई पोस्ट क्रिएट, उसके बाद क्या होगा कि जब मैं यहाँ पे सर्च बार बनाऊँगा एक, और सर्च बार बना के मैं उसमें एक बात लिखूँगा, मैं उसमें लिखूँगा एप्पल, या उसमें मैं लिखूँगा आईफोन, और मैं एंटर का बटन प्रेस करूँगा, तो मेरे सर्वर पे एक मैं सर्च की एपीआई अलग से बनाऊँगा जो कि अभी मौजूद नहीं है। उस एपीआई में मैं ये करूँगा कि जो भी बंदे ने बात लिखी है उस बात को दोबारा वेक्टर में कन्वर्ट करूँगा, क्योंकि वेक्टर डेटाबेस में क्वेरी चलाने के लिए भी मुझे क्या चाहिए, वेक्टर चाहिए। अब मैं जो डेटाबेस को वेक्टर दे रहा हूँ वो क्या दे रहा हूँ, आईफोन, मिसाल के तौर पे आईफोन एक वर्ड था, उसका वेक्टर बना के दे रहा हूँ मैं, ठीक है। अब जब मैं सर्च चलाऊँगा तो वेक्टर डेटाबेस में जितने भी वेक्टर हैं वो सारे के सारे उठ के मेरे पास वापस आ जाएंगे, ठीक है, सारे के सारे वो वापस आ जाएंगे मेरे पास। अच्छा कौन सा पहले आएगा, जो आईफोन से करीब करीब वाला जो वेक्टर होगा वो पहले आएगा, यानी ऐसे पैराग्राफ्स जिसके अंदर आईफोन या उससे करीब करीब चीज़ों का, जैसे आईपॉड का जिक्र है, ठीक है, जैसे यहाँ पे इसमें तो डायरेक्टली वैसे आईफोन का जिक्र हो गया, लेकिन जैसे मैक का जिक्र है, मैक और आईफोन ज़रा करीब करीब है, एक ही कंपनी बनाती है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे स्टीव जॉब्स का अगर जिक्र होगा, ठीक है, तो वो पैराग्राफ जिसके अंदर आईफोन का एक्चुअल वर्ड या उससे करीब तरीन कोई भी वर्ड आ रहा होगा ना, वो पैराग्राफ पहले आएंगे, और जिसमें ज़रा दूर दूर के वर्ड होंगे वो उसके बाद आएंगे। टाइप नहीं देखेगा ये, वो खुद कर रहा होता है, ठीक है। वेक्टर क्योंकि नंबर में कन्वर्ट हो जाता है वो ना, तो नंबर में नियरेस्ट पता लगाना बड़ा आसान होता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर 2 है जो, वो 5 से ज़्यादा नियरेस्ट है या 8 से ज़्यादा नियरेस्ट है, 5 से ज़्यादा है, तो वो नंबर में वो चेक कर रहा होता है, और वो यानी कौन सा नियरेस्ट है कौन सा नहीं है वो कौन डिसाइड करता है, जिसने वर्ड बैग बनाया है, यानी जिस बंदे का मैं ये एल्गोरिथम इस्तेमाल कर रहा हूँ। मेरे केस में मैं एल्गोरिथम किसका इस्तेमाल कर रहा हूँ, वेक्टर बनाने का, ओपनएआई वालों का, ठीक है। तो ओपन एआई वालों ने डिसाइड किया हुआ है कि कौन सा वर्ड किस वर्ड से ज़्यादा करीब है, किस वर्ड से दूर है, ठीक है। अच्छा इसी तरह का एल्गोरिथम एक हगिंग फेस करके उन्होंने बनाया हुआ है, और भी बहुत सारे हैं, और ये बहुत पुराना आइटम है, ये कोई अभी रीसेंट डेवलपमेंट नहीं हुई है, ये जब से डेटाबेसेस हैं ऑलमोस्ट जब से ही ये वेक्टर भी मौजूद है, ठीक है। लेकिन डेटाबेस में ज़रा इस वे में इसको अब इस्तेमाल किया जा रहा है, इससे पहले ज़रा इस अंदाज में इसको इस्तेमाल नहीं किया था किसी ने, ठीक है। वेक्टर जो है वो बहुत पुराना आइटम है, यानी जब से आप समझ लो कंप्यूटर बनने से भी बहुत पहले से ये वेक्टर मौजूद है, क्योंकि मैथ सारी जो है ना उसके अंदर ये वेक्टर की और भी एप्लीकेशन है ना मैथमेटिक्स में, ठीक है। वैसे तो अभी कंप्यूटर आने के बाद ज़रा वेक्टर की एप्लीकेशन और बढ़ गई है कंप्यूटर की वजह से, क्योंकि हमारे पास वो वेक्टर ग्राफिक का पूरा एक फील्ड अलग से निकल कर आ गई है, जो कि इलस्ट्रेटर और कॉरल ड्रॉ जो है वो सारा का सारा वेक्टर ग्राफिक है ये, ठीक है। तो वो एक तो एक अलग फील्ड निकल के आ गई है, लेकिन उससे पहले भी वेक्टर के अच्छे खासे यूजर्स थे, ठीक है। वेक्टर कहते हैं नंबर को, दैट्स इट, तो जहाँ पे भी नंबर आ रहा है वहाँ पे नंबर के वेक्टर्स होते हैं। तो शुरू करते हैं हम सबसे पहले। अच्छा दूसरी बात, ये मुझे याद दिलाना जब बाद में मैं पूछूंगा ना, हम इसमें पाइन कोन तो इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली हम पाइन कोन इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम करेंगे MongoDB इस्तेमाल, और यही काम हम MongoDB में करेंगे, सही है। रीज़न उसका ये है मेरे भाई कि पाइन कोन वैसे तो बहुत हाइप में आ गया, क्योंकि अच्छा पाइन कोन भी बहुत पहले से था भाई, दादा एकदम अचानक उसको हाइप मिली है, था तो ये काफ़ी टाइम से, ये शायद पता नहीं 4-5 साल पुरानी कंपनी है, तो वो है तो हाइप में, लेकिन पाइन कोन ना मुझे जहाँ तक लगता है कि इतना स्टेबल है नहीं, ज़रा सा उनके पास रिसोर्सेज वगैरह की भी शायद मुझे लगता है कमी है, और दूसरा उनकी प्राइसिंग जो है ना वो बहुत ही वाइल्ड है, यानी अगर मैं उसकी प्राइसिंग आपको दिखा दूँ ना तो ठीक है, ये मैं चला गया प्राइसिंग पे,
अब फ्री वाला जो है ना उसके ऊपर तो एक इंडेक्स देता है ये, लेकिन फ्री के बाद डायरेक्ट $70 है। सही है, डायरेक्ट $70 है। और जो है ना इसके अंदर $70 में ये क्या दे रहा है आपको, एनी नंबर ऑफ पॉड रेप्लिका, जीरो डाउन टाइम स्केलिंग, ठीक हो गया जी। सेव वेक्टर डेटा कलेक्शन एट 0.025 GB पर मंथ। अच्छा ये पर जी बी पर मंथ अलग से काट रहा है इसके। सही है, अच्छा मल्टीपल प्रोजेक्ट, ये तो सब वैसे ही देना चाहिए यार, ये तो सब फ्री में दे रहे होते हैं लोग। सिंगल इंडेक्स, सिंगल फ्री इंडेक्स। अब देखो सिंगल फ्री इंडेक्स जो है वो इसमें भी सिंगल फ्री इंडेक्स है और इसमें भी सिंगल फ्री इंडेक्स है, पेड वाले में भी। अच्छा उसके बाद डायरेक्ट जो है वो $104 है। अब ये पहले पता नहीं ज़्यादा थी, ये इन्होंने शायद कम किया है अभी, ये $104 से ये ज़्यादा थी पहले। अब इसमें भी जो है ना इन्होंने इन्होंने कुछ ज़्यादा यहाँ पे बात लिखी नहीं है कि एग्जैक्टली इसमें क्या मुझे एडिशनल मिल रहा होगा, लेकिन अल्टीमेटली इसकी जो प्राइसिंग है ना वो ज़रा सा मुझे इतना अच्छा फील नहीं करवा रही है, क्योंकि मोंगो डीबी जो ऑन अदर एंड जो है, मोंगो डीबी का जो फ्री प्लान है इसमें तो यार फ्री प्लान में दो मसले हैं। नंबर एक, 7 दिन तक आप डेटा यूज़ नहीं करो, डेटा को डिलीट मारता है ये, बोलता है भाई फ्री वाला ये ट्रायल है, ये सिर्फ देखने के लिए और उसको समझने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए। इस पर ये कहता है कि यार कोई ऐप ना बनाओ आप, ठीक है। ये कहता है कि भाई 7 दिन तक आपने यूज़ नहीं किया, इंडेक्स विंडेक्स सब डिलीट विलीट करके बिल्कुल ज़ीरो कर दूंगा मैं हर चीज़। लेकिन लोगों ने उसका हल निकाला हुआ, लोग क्रॉन जॉब लगा रहे हैं। क्रॉन जॉब ये होता है कि हर आधे एक घंटे पे एक रिक्वेस्ट मार देता है, एक डेटा रीड राइट कर लेता है, ठीक है, तो वो उसको लगता है कि हाँ कुछ हो रहा है। तो इस तरह के लोगों ने जुगाड़ किए हैं इसके ऊपर अभी, लेकिन स्टिल ये कोई फीजेबल सोल्यूशन नहीं है, ख़ास तौर पे जो स्मॉल बिजनेसेस के लिए ना, स्मॉल बिजनेसेस चाहते हैं ज़रा ट्रायल थोड़ा सा इतना हो कि मतलब 200-400 यूज़र डेली अगर आ रहे हो ना तो वो ट्रायल उस पर काम करे, तो ये ज़रा मेरा ख्याल है कि उस हिसाब से ना सही नहीं है। अगर हम मोंगो डीबी की प्राइसिंग पे आ जाते हैं तो मोंगो डीबी की प्राइसिंग ना निस्बतन, वैसे तो अच्छे खासे चार्ज करता है वो भी, लेकिन निस्बतन इससे ना ज़रा कम है, ठीक है। ये $57 पर मंथ है। अच्छा लेकिन फ्री में ये क्या दे रहा है, फ्री वाला भी देख लेते हैं ना। व्यू और ऑल फीचर्स, फ्री वाले में ना ये 512 MB का स्टोरेज देता है, यानी 512 MB का डेटाबेस। कहाँ लिखा हुआ है फ्री, ये रहा ना ट्राई इट फॉर फ्री। अच्छा ये रहा अप टू 5 GB, ये 5 GB नहीं देता। पाइन कोन जो है ना ये 5 GB नहीं देता, इसने तो मेंशन भी नहीं किया हुआ कि कितना देता है बहरहाल, लेकिन ये 5 GB नहीं देता, उससे कम देता है। अच्छा ये जो था ना पहले 512 MB था, अभी इन्होंने बढ़ा के ना 5 GB कर दिया यार। अच्छा नहीं सॉरी, ये स्टोरेज है, ये स्टोरेज है, ये डेटाबेस नहीं है। आओ नीचे देखते हैं डेटाबेस कितना है। डेटाबेस तो लिखा भाई नहीं, अब ये इन्होंने स्टोरेज जो लिखा है, एक दफ़ा स्टोरेज पे हाथ रख के देखते हैं क्या लिखा है इसने। फॉर मोर स्टोरेज एटलस सपोर्ट हॉरिजॉन स्केलिंग फॉर द हंड्रेड्स ऑफ टीबी ऑफ शार्डिंग। अब यार स्टोरेज का मतलब पता नहीं डेटाबेस स्टोरेज है या फाइल स्टोरेज है, क्योंकि ये तो स्टोरेज तो असल में हम फाइल स्टोरेज को कहते हैं, जो स्टोरेज बकेट होता है। तो बहरहाल अच्छा रैम इसमें शेयर्ड है, रैम जो है वो 512 MB होती है काइंड ऑफ, और शेयर्ड होती है, थोड़ा सा अगर ऊपर नीचे भी होता है तो कोई इशू नहीं होता हमें, कभी रैम कम भी मिल रही होती है, CPU भी शेयर्ड होता है, तो चलो ये भी कोई मसला नहीं है। लेकिन इसके बाद जो इसका प्लान है, इसके बाद जो इसका प्लान है ना, अच्छा कोई ऐसी क्रिटिकल चीज़ नहीं है जो इसमें मुझे ना मिलती हो, ठीक है, मुझे मॉनिटरिंग मिल जाती है इसमें। अच्छा ऑनलाइन आर्काइविंग नहीं मिलती कि भाई वो ऑटोमेटिक बैकअप लेता रहेगा, वो नहीं मिलता मुझे, ठीक है, उसकी शायद शुरू में ज़रूरत भी नहीं होती। डायग्नोस्टिक परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन टूल जो है वो मिल जाते हैं, एडमिन API मिल जाती है, ठीक है। प्राइवेट नेटवर्किंग नहीं मिलती। अच्छा एंड टू एंड इंक्रिप्शन मिल जाती है, ये भी मिल जाता है, क्वेरेबल इंक्रिप्शन मिल जाती है, और कोई वो एग्रीगेशन वगैरह तो इन्होंने रोकी भी नहीं है, बस मैं ये देखना चाह रहा हूँ। एटलस सर्च मिल जाता है, ठीक है, फुल टेक्स्ट सर्च जिसको कहते हैं वो मिल जाता है हमें। अच्छा वेक्टर सर्च मिल जाता है, जो अभी रिसेंटली पब्लिक प्रीव्यू, देखो इस पर लिखा हुआ भी है कि ये पब्लिक प्रीव्यू है, ठीक है, वेक्टर सर्च आपको मिल जाता है इसमें फ्री, फ्री वाले प्लान में। सही है, एटलस चार्ट है, अच्छा चार्ट वगैरह की ज़रूरत नहीं होती आमतौर पर छोटे बिजनेसेस को, वो कहते हैं यार बस डेटाबेस चलना चाहिए। चार्ट ये होता है कि उसी डेटाबेस का ना रियल टाइम में जब भी मैं खोलूं तो वो चार्ट की सूरत में मुझे दिख रहा हो वो डेटाबेस, ठीक है। मिसाल के तौर पर कहीं पर बंदों ने बोला है ना कि यार ईमेल के लिए ऑप्ट इन किया हुआ है, तो मुझे चार्ट में दिखेगा यार इतने परसेंट ने ऑप्ट इन किया और इतने परसेंट ने नहीं किया, ऐसे वो गोल पाई चार्ट बन के आ जाए या जैसा भी मैं चाह रहा हूँ, तो मैं एक दफ़ा बना देता हूँ, जब भी खोलता हूँ वो दिखता है मुझे, ठीक
ठीक है भाई, बस मेरा ख्याल है ये एक सीक्वल इंटरफेस है, वो भी हम आमतौर पे तो यूज़ नहीं करते, नो सीक्वल पे चलते हैं ज़्यादातर तो हम जो नए बिजनेसेस। एपीआई इंटीग्रेशन, सही है। एपीआई इंटीग्रेशन ये होती है कि कलेक्शन बनाना, डिलीट करना, या इस तरह के और भी बैकअप वैकअप लेना जो है उसको शायद ये एपीआई से हिट कर रहे होते हैं, तो उसकी ये बात हो रही है। ओ, ये टेराफॉर्म की बात कर रहे हैं। टेराफॉर्म वो होता है काइंड ऑफ एक रिपोर्टिंग टूल है समझ लो आप, ठीक है। वेल, तो मोस्टली जो भी चीज़ें चाहिए होती है ना एक छोटे बिजनेस को, वो इन्होंने यहाँ पे दी हुई है। अच्छा, फिर उसके बाद जो सर्वरलेस वाला प्लान है उसमें भी जाहिर है ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, ठीक है। उसमें भी मतलब एडिशनल फीचर है, लेकिन कोई माइनस नहीं है फ्री वाले में से। और इनका जो सर्वरलेस है वो अच्छा खासा, यानी कि सस्ता है। 10 सेंट लेता है ये पर मिलियन रीड्स के, पर मिलियन, 1 मिलियन दफ़ा बंदा गेट करेगा ना वहाँ से डेटा, तो वो 10 सेंट चार्ज करता है। तो मेरे ख्याल है सही है ये। क्या कहाँ पे आ गया? कहाँ लिखा है मुझे नहीं दिख रहा। अच्छा, 512 टू 500 MB। ये पहले इसने 5 GB क्यों लिखा हुआ था फिर? अप टू 5 GB है। ओ ओके, अप टू 5 GB है कि 5 GB तक जाएगा। वो किस क्राइटेरिया पे जाएगा ये नहीं लिखा उन्होंने, वो बताएंगे कहीं अंदर मेंशन किया हुआ होगा। मे बी अगर वो आप क्रेडिट कार्ड अटैच करो ना तो आपकी वो लिमिट बढ़ा देते होंगे, ये वाला चक्कर होता है कभी। फ्री प्लान में ना अक्सर ये होता है कि आप अगर क्रेडिट कार्ड आपने नहीं लगाया हुआ तो आपका कोटा कम होता है, क्रेडिट कार्ड लगा दो तो कोटा ज़रा वो बढ़ा देते हैं, ठीक है। पैसे नहीं चार्ज करते लेकिन कोटा बढ़ा देते हैं, ठीक है। असल में आपकी वेरिफिकेशन हो जाती है ना, क्रेडिट कार्ड लगाने से पता लग जाता है कि अच्छा ये बंदा कौन है। अदरवाइज़ आपने ईमेल से सिर्फ साइनअप मारा हुआ तो वो कोटा बिल्कुल कम देते हैं आपको, तो वो वाला चक्कर शायद इसमें हो सकता है। तो अच्छा, उसके बाद जो डेडिकेटेड है, डेडिकेटेड में तो आपको यार 10 GB से लेके 4 TB तक का जो है ना वो मिलता है। अच्छा, इसका फिर वो प्राइस कैलकुलेटर है, अब वो प्राइस कैलकुलेटर हम निकालेंगे। लेकिन 512 MB का जो स्टोरेज है ना डेटाबेस का सिर्फ, और अगर आपने अच्छे तरीके से डेटाबेस को सेव किया है, यानी उसमें ये नहीं किया कि कोई Base64 मार के इमेजें रखवाई हुई हैं, तो फिर तो वो यूँ ख़त्म होगा। अगर प्रॉपर तरीके से और अच्छे तरीके से डेटा को उसके अंदर रखा हुआ है ना आपने, यानी एफिशिएंटली, एफिशिएंटली का मतलब ये है कि किसी जगह पे अगर मेल फीमेल आपने रखवाना है तो उसके अंदर आप इस मेल को ट्रू करवा दें या फॉल्स करवा दें, तो ट्रू फॉल्स स्टोर हो रहा होगा आपके डेटाबेस में। अगर मैं लिखूँ, मैं जेंडर इक्वल्स टू की जगह स्ट्रिंग में मैं लिखूँ मेल और स्ट्रिंग में लिखूँ मैं फीमेल, तो ये दिस इज़ लेस एफिशिएंट, क्योंकि वो स्ट्रिंग सेव करेगा। हम ये बात जानते हैं स्ट्रिंग में पर कैरेक्टर 2 बाइट लेता है। जी, तो स्ट्रिंग में वो पर कैरेक्टर 2 बाइट या 4 बाइट जो भी इनकोडिंग उसमें इस्तेमाल हो रही है या जो भी कैरेक्टर सेट इस्तेमाल हो रहा है, डिपेंडिंग ऑन कैरेक्टर सेट, वो पर कैरेक्टर 2 बाइट या 4 बाइट ले रहा होता है। हालांकि जो ट्रू फॉल्स है वो 1 बिट लेता है। तो अगर मैं लिखूंगा ना जेंडर इक्वल्स टू और यानी डेटा बेस में और स्ट्रिंग में मेल या स्ट्रिंग में फीमेल लिखवा रहा हूँ मैं, तो ये ज़्यादा डेटा स्टोरेज यूज़ होगी मेरी। और अगर मैं इज मेल और ट्रू फॉल्स कर दूँ कि इज मेल अगर ट्रू है तो मेल है, फॉल्स है तो फीमेल है, अगर मैं ये कर दूँ तो मेरा डेटाबेस ज़रा, तो इस सेंस में मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने एफिशिएंटली डेटा को स्टोर करवाया हो इस तरीके से करके, तो आपके लिए 512 MB का जो डेटा है ना वो एक स्मॉल बिजनेस के लिए 2-3 साल के लिए इनफ होता है। सही है। और अगर ज़्यादा यूज़र आपके पास आ भी जाता है तो सिर्फ क्वेरी बढ़ती है, स्टोरेज नहीं बढ़ता आपका, ठीक है। क्वेरी पे इन्होंने कोई इस तरह की लिमिट यहाँ पे मेंशन भी नहीं की कि जो है ना क्वेरी की कोई लिमिट नहीं बताई, वो शेयर्ड आपके पास रिसोर्स है, बस जितना चल गया चल गया। तो गुड इनफ है ये। छोटे बिजनेस जो है ना इस तरह की चीज़ों को प्रेफर करते हैं। अभी इंशाल्लाह आप सब लोग यहाँ पे जो है वो फ्रीलांस की तरफ जाएंगे होपफुली, ठीक है, या जॉब्स भी अगर आप करेंगे तो फ्रीलांस के अंदर ना आमतौर पर वो टेक्नोलॉजी को बंदा प्रेफर करता है जो टेक्निकल क्लाइंट होता है ख़ास तौर पर, क्योंकि देखो अच्छे पैसे देने वाला बंदा ना टेक्निकल होगा वही देता है अच्छे पैसे। जो बिल्कुल ले मैन होता है ना वो या तो प्रोजेक्ट बना रहा होता है हॉबी के लिए, तो वो बोलता है यार मेरे पास तो भी मतलब 300-400 ही हैं, बस यही ले लो इसी में कर दो, या बोलेगा यार मेरे से इंस्टॉलमेंट पे ले लो, मेरे से अगले महीने ले लेना, इस तरह की फिर बातें करता है वो, फिर मज़ा नहीं आता वो वाला। जो अच्छे पैसे वाला बंदा होता है ना वो या तो टेक्निकल बंदा होता है या तो कोई बिजनेस बंदा होता है बिजनेस वाला, और उसके अंडर में कोई मैनेजर होता है वो आपसे डील कर रहा होता है। तो भाई वो तो टेक्निकल होता है, वो तो बिज़नेस की कैलकुलेशन पहले करता है कि मैं कितना लगाऊंगा तो आएगा कितना। तो उसको अगर आपने ये वाली चीज़ें अगर आप फेल हो गए बताने में कि अच्छा यार मोंगो डीबी यूज़ कर ले, क्यों कर ले,
या वो पूछेगा कि यार ये अभी कल मेरी मीटिंग हो रही थी बंदे से, तो उसने मुझसे पूछा, उसने बोला यार मुझे एक चैट बॉट चाहिए, मैं बुक अपलोड करूँ PDF में और वो उसको डाइजेस्ट कर ले और फिर मैं उससे बात करूँ तो वो बुक से मुझे जवाब दे, ठीक है। तो उसने बोला कि ये ऐप जब बन जाएगी तो इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होगी इसकी, यानी पर मंथ मुझे ऑपरेशन की जो कॉस्ट है वो क्या पड़ेगी, डेटाबेस की जो सर्वर जो इसमें इस्तेमाल होगा, जो API कॉल होगी, OpenAI जो इसमें लगी हुई है, इसके ऑपरेशन कॉस्ट क्या होगी। तो मैंने उसको फ़ौरन कैलकुलेट करके बता दी कि यार इसकी इतनी इतनी ऑपरेशन कॉस्ट होगी, तो वो फ़ौरन खुश हो गया, यानी उसको दिल को तसल्ली हो गई कि अच्छा यार मेरे साथ कोई उल्टा गेम नहीं होने वाला। वरना आमतौर पर जो ज़रा मतलब जिनको ये बातें नहीं पता होती प्राइसिंग वगैरह की, तो वो कोई ऐसी टेक्नोलॉजी लगा के दे देते हैं कि उसको बंद हो जाती है वो ऐप फ़ौरन, लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है उसको वो $50-$60-$70 पर मंथ उसको एक्सपेंस दे रही होती है, वो कंप्यूटिंग एक्सपेंस या इस तरह का कोई, सम टाइम किसी ने कोई डेटाबेस ऐसा लगा दिया होता है फायरबेस जैसा, ठीक है, शुरू में तो मज़े कर आता है लेकिन 2-3 महीने बाद 6 महीने बाद जब डेटा ज़्यादा आता है तो वो ऐसा बिल फाड़ता है कि बंदे के कानों से भी धुआं निकल जाता है, बंदा बोलता है यार ये क्या लगा के दे दिया, ठीक है। तो मतलब इस तरह की कोई चीज़ लगा के अगर आप देते हैं ना क्लाइंट को, तो आपका क्लाइंट आपसे तंग रहेगा अगर, ठीक है। तो बेस्ट अप्रोच ये कि आप अपने क्लाइंट के दिमाग से सोचेंगे तो प्राइसिंग पॉइंट आपने पहले देखना है, तो अच्छे पैसों में अच्छी एफिशिएंसी जो दे रहा है ना वो सबसे बेस्ट है, ठीक है। तो हमने इसकी प्राइसिंग कंपैरिजन कर लिया, लेकिन स्टिल पहले हम ये काम ना पाइनकोन पे करके देखेंगे। पाइनकोन पे हम क्यों करके देखेंगे, उसका रीज़न ये है कि पाइनकोन अभी हाइप में, बहुत सारे क्लाइंट ऐसे पागल भी होते हैं बोलते हैं नहीं मेरे को पाइनकोन पे ही चाहिए, या बहुत सारे जो कंपनीज होंगी उसमें जो प्रोजेक्ट आया होगा वो आपसे पूछेंगे यार आपको पाइनकोन आता है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, हाँ आता है, ठीक है। इसलिए मैं आपको ये पाइनकोन पढ़ा रहा हूँ, फिर यही चीज़ हम MongoDB में करेंगे, ठीक है। MongoDB ने ये फीचर अभी रिलीज़ किया है, पब्लिक प्रीव्यू है, बहुत ही जल्दी ये इंशाल्लाह स्टेबल हो जाएगा, 1 से 1.5 महीने या 2 महीने या बहुत ज़्यादा 3 महीने लगाएंगे वो स्टेबल हो जाएगा फिर, ठीक है। कोई खास चेंज उसमें करेंगे नहीं स्टेबल होने के बाद भी वो, तो ये दोनों में आपको मैं वेक्टर पढ़ाऊँगा इंशाल्लाह, ठीक है।